myself, Grand Kumar, a 21-year-old boy, suddenly one evening, मेरे को ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, मतलब ब्रीदिंग ज़्यादा खींच के दे रहा था। तो मैं फिर मणिपाल हॉस्पिटल विजिट किया, फिर वहाँ पे मेरा डायग्नोसिस हुआ, तो उसमें पता लगा कि जो मेरी लार्ज इंटेस्टाइन है और स्टमक अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होने की वजह से मेरे राइट वाले चेस्ट में ऊपर छट गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डॉक्टर संदीप अग्रवाल, उनकी फॉलोअप टीम ने मेरे को समझाया कि ये ज़्यादा ही क्रिटिकल इशू है। फिर उन्होंने लैप्रोस्कोपी करके एक वो होती है ट्रीटमेंट, उन्होंने वो करा, फिर वो होने के बाद वो सक्सेसफुली रही, और उसके बाद मेरे को जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हुई, प्रॉपर हो गई, और ब्रीदिंग में सही रिलीफ हो गई, और अब वो सारी चीज़ें अपनी पोजीशन पे है। एंड आई थैंक्स टू द टीम एंड स्पेशली टू द डॉक्टर संदीप अग्रवाल फॉर द 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। हमारे पास 11 तारीख को 21 साल के युवक विक्रांत हमारे पास आए, उनको अचानक ही सांस में दिक्कत आ गई थी, और जब हमने चेस्ट एक्सरे किया तो उसमें कुछ राइट लंग कोलैप्स था। तो उसके बाद हमने सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी कि पूरा इनका स्टमक और कोलन, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, वो इनके राइट साइड ऑफ चेस्ट में जाकर दबा रहे थे और कोलैप्स कर रहे थे उसका। ऐसी सिचुएशन बड़ी अनकॉमन है, और कई बार ऐसे चीज़ें एक्सीडेंट के बाद हो जाती हैं कि जो डायफ्राम नाम की झिल्ली होती है उसमें छेक हो जाता है, उससे ऊपर चली जाती हैं। पर जब हमने सीटी डिस्कस किया है अपने रेडियोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई छेक नहीं है, जो नॉर्मल कनेक्शन है स्टमक और फूड पाइप का उसी रास्ते से पेट ऊपर जा रहा है। नॉर्मली जब ये कंडीशन होती है तो ये एल्डरली में पाई जाती है जब टिश्यू वीक हो जाते हैं। पर इन एनी केस, फिर हमने अगले दिन इनकी एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी में भी यही था कि फूड पाइप काफ़ी ऊपर है चेस्ट में और स्टमक ऊपर गया हुआ है। तो हमने इनको सारा ऑपरेशन के बारे में समझाया कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जब हम इनको नीचे लाते हैं तो लंग्स पास होते हैं, उसमें कई बार इंजरी का चांस रहता है, और सारे रिस्क और बेनिफिट बनाकर हमने अगले दिन इनको लैप्रोस्कोपी के लिए सर्जरी के लिए पोस्ट किया। सर्जरी कॉम्प्लेक्स थी पर कामयाब रही, करीब 2.5 घंटे चली, और हमने लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक को नीचे लाए पहले, फिर हमने फूड पाइप को नीचे लाकर उसके ऊपर एक वैल्व बना दिया जिसको फंडोप्लिकेशन बोलते हैं, इसके कारण फिर एसिड ऊपर नहीं जाता है, और एक हमने पूरा सारे स्टेप ठीक से करके इनका पूरा फिक्स किया, और जो रास्ता जिससे स्टमक ऊपर जा रहा था उसको सूचर्स के द्वारा नैरो किया। कई बार मेश लगानी पड़ती है, पर इनके केस में इनके जो टिश्यूज स्ट्रांग थे तो हमने उसको सूचर से उसको नैरो कर दिया ताकि स्टमक दोबारा ऊपर ना जाए, और स्टमक को अच्छी तरह फिक्स कर दिया क्रूरा से, जो जहाँ वो रास्ता चेस्ट और एब्डोमेन को कनेक्ट करता है। पोस्ट ऑपरेटिवली दिस बॉय डिड वेरी वेल, उसका सांस में एकदम ही दिक्कत ठीक हो गई, लंग्स एक्सपैंड हो गए, और कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन हमने एंटिसिपेट की थी जैसे न्यूमोथैरेक्स बोलते हैं हवा चली जाती है लंग्स में या ब्लीडिंग होती है, वो अकेले नहीं हुई। पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल था, इनके सांस में तुरंत आराम आया। कई बार दूसरी दिक्कत हो जाती है कि शुरू में खाने में कई बार अटकता है या फिर एसिड ऊपर आता है, वो दोनों ही दिक्कतें इसको नहीं हुई। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी डेट वी कुड मैनेज अ वेरी सक्सेसफुल रिजल्ट। एंड फिर हमने जब लिटरेचर सर्च किया तो ये कंडीशन एल्डरली में ही पाई जाती है और यंग एडल्ट में बहुत ही अनकॉमन है। मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक आई विश ऑल द बेस्ट टू विक्रांत इन हिज यू नो लाइफ एंड ही मेंटेन्स गुड हेल्थ एंड हैप्पी। थैंक यू।